हेलो दोस्तों दोस्तों क्या हाल है, खुश हो? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। नए दोस्त कोई यूज़र पेज पे नया आया है तो उसको वेलकम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज यूनिपे का चार्जर मेरे पास बनने के लिए आया है, ये 10 एम्पीयर का चार्जर। ठीक है दोस्तों, तो ऑलरेडी मैंने इसको खोल के रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी मैंने इसको खोल के रखा है, थोड़ा जूम करके मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ये तारें भी बस्ट है, ये टूटी हुई है, गली हुई है, ये तारें भी अपन चेंज करेंगे। उसके बाद इसका फ्यूज़ भी जला हुआ है, फ्यूज़ भी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन चेंज करेंगे इसके 20 एन 60 सही है, ये भी जला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन चेक करने मीटर पकड़ेंगे। ये भी शार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये डायोड भी अपन चेक कर लेंगे, डायोड भी इसके शार्ट तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके डायोड भी शार्ट बता रहा। तो पहले अपन इसका करेंगे 20 एन 60 रिमूव। ठीक है, ये रिमूव करके फिर चेक करते हैं, डायोड शार्ट बता रहा है तो फिर अपन को डायोड भी चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 20 एन 60 में रिमूव करता हूँ, फिर चेक करते हैं डायोड इसके शार्ट बता रहा है या नहीं बता रहा है। सबसे पहले अपन उसको करते हैं रिमूव। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 20 एन 60 इसका रिमूव कर दिया। अभी एक बार आप चेक कर लेंगे, ये डायोड इसके शार्टेज की वजह से शार्ट नहीं बता रहा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अभी भी शार्ट बता रहा है, तो अभी इसको रिमूव करेंगे अपन, ये पे निकाल के चेक करेंगे सारे सही हैं, सारे ख़राब शार्ट हैं या इसमें से कोई एक आधा शार्ट है। तो अभी इसको रिमूव करके चेक करते हैं, तो वीडियो भी रहना। जी तो दोस्तों, इसके मैंने सारे डायवर्टर निकाल लिए हैं बाहर। ठीक है, ये अभी एक एक करके अपन चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये माइनस, ये इसका प्लस होता है निशान वाला, एक मरता जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वाला इसका प्लस होता है, ये निशान होता है ऑलरेडी, इसमें पीछे माइनस में निशान नहीं होता है, तो इस ये एक तरफ से बताएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे चेक करें, अगर सही होगा तो ये शार्ट नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, ये शार्ट है, अपन इसको रहने देंगे, दूसरा चेक करेंगे। ठीक है, ये दोनों तरफ से बता रहा है, ये भी शार्ट है इस तरीके से, तीसरा चेक करेंगे, ये भी शार्ट है। उसके बाद चौथा चेक करेंगे, ये शार्ट नहीं बता रहा। ठीक है दोस्तों, ये शार्ट नहीं है, ये बिल्कुल ओके। तो अपना एक डायोड सही है, और उसके बाद ये 20 एन 60 चेक करेंगे, ये भी शार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो दो रिस्टें लगी होती है, ये फ्यूज़ की शक्ल में होती है, ये ऑलरेडी ख़राब है, मैं एक तो मतलब आपको ये फुल बताएंगे, ये नहीं बता रही है। ठीक है दोस्तों, रिस्टें मैंने यहाँ से उतारी है, यहाँ से वाली ये। ठीक है, ये दो रिस्टें यहाँ लगी होती है, ये फ्यूज़ की शक्ल में होती है, ये 0.47 ओम्स की होती है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट में रिस्टें होती है, ये ध्यान में रखना। तो अपन इसमें अभी लगाते हैं डायवर्ट, डायवर्ट के बाद ये रिस्टें, फिर चेक करते हैं इसके बेस होल्ड बने या नहीं बने, उसके बाद अपन लगाएंगे इसके 20 एन 60। तो वीडियो पे रहना, पहले मैं डायोड लगाता हूँ। दोस्तों, ये सप्लाई का डायोड अपन कहीं से उतार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास ऑलरेडी ख़राब स्क्रैप LED की सप्लाई की पड़ी हुई है, इससे मैं ये चार डायोड निकालूंगा। तो इसको चेक करने का तरीका मैं ऑलरेडी अब भाइयों से शेयर कर दिया मैंने, तो इसको चेक करके लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से मैं निकाल के इसमें लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डायवर्ट में एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों को, ये डायवर्ट किसी भी सप्लाई से उतार सकते हैं। ये रेगुलेटर पक्के के रेगुलेटर में लगे होते हैं, ये DVD की सप्लाई में लगे होते हैं, ये रिसीवर की सप्लाई में लगे होते हैं, ये LCD की सप्लाई में लगे होते हैं, ये किसी भी सप्लाई में निकाला। अगर पुराना कोई सेवर पड़ा हुआ या सेवर, ठीक है दोस्तों, तो सेवर से वो उतार सकते हो, कहीं से भी उतार सकते हो ये डायवर्ट। तो डायवर्ट में निकालता हूँ, तो लगाता हूँ उसमें।
दोस्तों मैंने ड्राइवर निकाल लिया सप्लाई से। दोस्तों तो ड्राइवर मैंने निकाल लिया, तो अपने थोड़ा थोड़ा सुमार लेंगे तहाँ से, फिर सफाई हो जाए। ठीक है दोस्तों, साफ़ सुथरा हो गया। अभी अपन को दोस्तों ये ना लगाने का तरीका भी शेयर करता हूँ भाइयों से। ये इसका प्लस है, इसमें निशान होते हैं। ये इस ड्राइवर का इसमें भी निशान होता है, ये वाला प्लस है, इसका ये वाला प्लस है। ठीक है दोस्तों, एक का सेरा यहाँ पे लगेगा, ये दो सेरे यहाँ आएंगे, दो के सेरे यहाँ जाएंगे। इसका एक का प्लस ये, एक का प्लस ये, इसका प्लस ये, एक का प्लस ये। ठीक है दोस्तों, तो अपन निशान पर लगाएंगे। अगर कोई दोस्त नया बंदा लगा रहा है तो ये जेन लगाना, प्लस माइनस इसके कोई उल्टा ना लगा दे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें टाँके लगा के आप सबको चेक कराते हैं। दोस्तों इसमें मैंने ड्राइवर लगा लिए ऑलरेडी, इसके ये रिस्कें लगाएंगे दो वाली। तो दोस्तों इसको मैंने दो रिस्कें लगा दिए, चार ड्राइवर लगा दिए। इसके अलावा ये बारीक तार से मैंने फ्यूज़ बना दिया इसका। ठीक है दोस्तों, इसको रीसोल्ड नहीं करना है, यहाँ पे टांका लगाना है, रीसोल्ड नहीं करना है। अगर आपके पास कोई पुरानी सप्लाई में फ्यूज़ पड़ा हुआ है पुराना, चेक करके वो लगा सकते हो। अगर नहीं है तो इसको रिपेयर भी कर सकते हो ये तार की मदद से। ठीक है दोस्तों, अभी इसको चेक करेंगे अपने सप्लाई देके, बेस वोल्ट यहाँ पे बेस वोल्ट बने या नहीं बने। ठीक है दोस्तों, तो अपन चेक करते हैं इसको, चले देते हैं सप्लाई इसकी। ये तो दोस्तों पहले अपन इसकी सप्लाई चेक कर लेंगे कि सप्लाई आ रही है नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, ये अगर कोई दोस्त नया मैकेनिक है तो ठीक है, अगर मिस्त्री नहीं है तो कोई दोस्त नया काम कर रहा है, इतिहास से काम करना है, ये कोई लकड़ी वाली या प्लास्टिक वाली बोर्ड पे काम करना है और ज़मीन से पांव ऊपर रख के स्टूल पे काम करना है। अगर स्टूल नहीं है तो कुर्सी आप प्लास्टिक की पकड़नी है, जिसमें प्लास्टिक पे शार्ट वगैरह ना लगे, पांव ज़मीन से ऊपर कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, ये इतिहास लाजमी करना है। अगर कोई नया दोस्त यूज़र वीडियो देख के बनाना चाहता है तो एहतियात भी लाजमी करनी है। तो सबसे पहले अपने इसके 250 वोल्ट चेक कर लेंगे। 250 वोल्ट मैंने चेक किया। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे अभी बेस वोल्ट चेक करेंगे, मीटर रखेंगे 10 पे, एक एमीटर पे तार एमीटर रखेंगे, ये इसकी बेस होती है। ठीक है दोस्तों, ये मीटर पे ध्यान देना, इसके बेस वोल्ट बन गए, बेस वोल्ट ओके बन रहे। तो अभी इसमें लगाएंगे अपन ये 20N60, इसका ऑलरेडी ख़राब है, अभी नया लगाएंगे। इसमें 20N60 लगाना है काबली। ठीक है दोस्तों, ये जेन में रखना है, 20N60 काबली मैं लगाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये 20N60 लगाना है काबली अपन को, मैं इसमें लगाता हूँ टांके। दोस्तों ये 20N60 लगाने से पहले अपन को इसको थोड़ा डिस्चार्ज कर लेंगे ताकि इसमें शॉर्टेज वगैरह ना हो। ठीक है दोस्तों, और तार निकाल लेनी है बिजली से, ये भी जेन में रखना। तो अभी इसमें टांके लगाते हैं। ये तो दोस्तों इसके मैंने 20N60 लगा दिए, अभी देखे सप्लाई चेक करते हैं इसको, ये वर्क किया है कि नहीं किया। ये चार्जर हो गया रेडी। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें पहले मैं ये तारे लगाता हूँ, ये तारे भी इसकी तारे भी ख़राब है और इसमें चमटे भी लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसको करेंगे फ्रेश वाश ताकि नमी वगैरह में फॉल्ट भी ना हो, तो वीडियो बने ना। ये तो दोस्तों इसमें मैंने तारे नहीं लगा ली। ठीक है, मैं चिमटे भी कनेक्ट कर लिया ऑलरेडी, मैंने बैटरी भी कनेक्ट कर लिया। अभी इसके लगाते 220 की तार बिजली में, ये चार्जर अपना रेडी हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, ठीक हो दोस्तों, ये ओके हो गया। ठीक है, इसका मीटर भी वर्क कर रहा है, उसका फैन भी वर्क कर रहा है और ये चार्जिंग पे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपन ये चार्जर को रिपेयर भी कर सकते हैं, छोटे मोटे जो फॉल्ट आते हैं आजकल वो निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इसको वॉश करने से पहले प्रॉपर साफ करके फिट करेंगे ताकि इसमें नमी वगैरह का फॉल्ट ना आए, तो वॉश करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये बिल्कुल राइट साफ करके मैंने ओके कर दिया, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। आप देख लो इस तरह से आप साफ सुथरा करके फिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैंने ऑलरेडी चार ड्राइवर लगाए थे, 20N60 और दो रेस्टर लगाए थे, अपना ये चार्जर रेडी हो गया। इस तरीके से छोटे मोटे जो भी फॉल्ट आते हैं, इंशाल्लाह जो भी आते रहेंगे मैं अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आप दोस्त
पेज बनाया है तो पेज को सब्सक्राइब लाजमी कर देना ताकि हमारी जो जो भी अपलोड करूँ वीडियो सबसे पहले भाइयों को मिले। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है तो वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, अगर दोस्तों से भी शेयर कर देना, और अगर पेज पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।